हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज्ड और मैं हूं कुशाल तलवार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो सीरीज़ में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लुक्रेटिव और एक्साइटिंग फील्ड है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की ओर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वो है कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में और आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो, या आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपनी सेल्स को ग्रो कराना चाहते हों। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे PPC की। PPC की फुल फॉर्म है पे पर क्लिक, और PPC एक तरह की एडवर्टाइजिंग है जिसमें हम पर क्लिक के लिए पे करते हैं, और इसमें हम एड्स के थ्रू वेबसाइट पर और अपनी ऐप पर कस्टमर्स को लेके आते हैं। PPC की एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखने को मिल जाता है और आपको प्रिसाइज एक आइडिया भी लग जाता है कि पर सेल का आपको पर क्लिक के लिए कितना पे करना पड़ रहा है। PPC के बाद हम बात करेंगे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की। जैसा कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि इसमें हम अपनी वेबसाइट को कुछ स्टेप से ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े और आपके जो करंट विजिटर्स हैं उनके थ्रू आपकी वेबसाइट की सेल्स और कन्वर्जन रेट भी बढ़े। और इसमें हम ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों ही वेज से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब हम बात करेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग की। कि आजकल के टाइम में जो भी नई वेबसाइट्स हैं उनको लोग सर्च इंजन्स के थ्रू ही ढूंढते हैं, तो इसलिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आपकी वेबसाइट है वो सर्च इंजन पर विजिबल हो। और ऐसा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो सर्च इंजन्स पे एड कैंपेन्स रन करना, जैसा कि हमने आपको PPC में बताया, और दूसरा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए अब मैं आपको SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। आपकी साइट सर्च इंजन्स में डिस्प्ले हो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स लेने होते हैं ताकि गूगल और बाकी सर्च इंजन्स में आपकी वो वेबसाइट विजिबल हो और उसे पता हो कि आपकी जो वेबसाइट है किस बारे में है और इसको किन यूज़र्स को डिस्प्ले करना है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट में आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोड को अपडेट करते हैं, और ऑफ साइट में आपको जो चेंजेस करने होते हैं वो अपनी वेबसाइट के रियल्म के बाहर करने होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऑन साइट और ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी दें तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब हम बात करेंगे रीमार्केटिंग की। इस मेथड में जो भी आपके प्रोडक्ट के पुराने कस्टमर्स होते हैं उनको हम दोबारा रिमाइंड करवाते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, और ऐसा हम करते हैं उनको SMS भेज के, मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशन भेज कर या फिर ईमेल भेज कर। और रीमार्केटिंग के बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं कि आपके प्रोडक्ट की सेल वापस पड़ती है। रीमार्केटिंग के बाद हम बात करेंगे रीटारगेटिंग की। शायद नाम से आपको ये रीमार्केटिंग जैसा ही लग रहा होगा, पर असल में ये उससे काफ़ी अलग है। रीटारगेटिंग में हम जो है उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को सर्च करा हो, या फिर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या सिमिलर प्रोडक्ट को सर्च करा हो, या फिर ई कॉमर्स साइट्स पर उन्होंने व्यू किया हो। और रीटारगेटिंग में एक बहुत ही अच्छा मेजर है अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। रीटारगेटिंग के बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सर्च इंजन मार्केटिंग की तरह ही है, और इस पर भी हम एड कैंपेन्स रन करके अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढते हैं। बस यहाँ जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही आपकी एड्स जो चलती हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। और अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम बात करेंगे वीडियो मार्केटिंग के बारे में। वीडियो मार्केटिंग का शायद आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम वीडियोज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। और वैसे तो वीडियो मार्केटिंग के लिए जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप वीडियो एड्स को रन कर सकते हो। वीडियोस कस्टमर्स को टीवी एडवर्टाइजिंग की याद दिलाती हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो भी बाकी एड्स के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा रहता है,
क्योंकि जो ये विजुअल एड्स हैं इनका इम्पैक्ट कस्टमर्स पे टेक्सचुअल और ग्राफिक एड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन इट। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।